ये क्या है जोड़े? देखिए कंटिन्यूस कहां दिखता है, प्लेटलेट 1 लाख से कोई ज्यादा नहीं था, सब 1 लाख से नीचे थे, और ये देखिए 3-3 लाख बन रहे हैं, 3-3 लाख। बोन मेरो अगर डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बोन मेरो बायोप्सी में बोल रहा है कि 80% का सप्रेशन है, तो कहां से बन रहा है? तो आयुर्वेद का है एक, कि आपकी साइंस नहीं कर सकती, आयुर्वेद कर सकता है। ये इसके एविडेंस देखिए, वो तो हमारा कागज था, ये सुप्राटेक न्यूबर्ग एकदम साइंटिफिक अप्रूवल है, इसी लैब का रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट कंटिन्यूस देखिए, फॉलोअप पूरा नॉर्मल, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया एक बार ठीक हो गया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं, कंटिन्यूस नॉर्मल। नेक्स्ट नेक्स्ट चिकित्सा, पित्तहर टैबलेट एक कल्याण फार्मेसी जामनगर की है, वो बनाती है, नवाजस लो, वो भी चांदी भस्मा वाला आता है, वो बहुत बढ़िया कारगर है। शतावरी ग्रुत, रोहितक आरिष्ट, सरपुंख, सरपुंख है, भृंगराज है, रोहितक है, ये सब चॉइस ऑफ ड्रग हो जाएंगे। जब भी आपको प्लेटलेट बढ़ाना है तो लोग पपीता का पान वगैरह वो खाते हैं, लेकिन हमारी ये औषधियाँ है, तुरंत प्लेटलेट को बढ़ाना है तो ये औषधियाँ हमारी कारगर है, भृंगराज सत्व और भुरुचि सत्व, जैसे भुरुचि सत्व बनता है उसे भृंगराज सत्व को डालना है। नेक्स्ट, योग का जमाना है, भारत का परचम लहरा रहा है। नेक्स्ट, ये ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का है, थोड़ा सा हम जल्दी जाएंगे और हाँ, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी MND आता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज के हिसाब से। नेक्स्ट, बहुत सारे इसमें डिटेल में है। नेक्स्ट, आप अगर चाहिए तो ये हम शेयर भी करेंगे तो ये देख लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें जो एविडेंस दिखाना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका आत्मविश्वास वर्धन हेतु। और किस प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है, मेरे पास DMD के ये दूसरे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के करीबन 11 पेशेंट है, बहुत लाखों में देखने को मिलता है, और वो ईश्वर चयन करके हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि जाओ तुम बहुत बोलते हो तो तुम्हें ये ट्रीटमेंट करना है, अनजाना केस, अनजानी बात, अनजानी ऐसी ऐसी आ जाती है, पता भी नहीं होता है कि इसमें क्या है, और ऐसे पेशेंट हर रोज के अनजाने और ऐसी कठिन व्याधियों वाले आते रहते हैं। नेक्स्ट, इसको हम खल्ली और स्नायुगत बात भी कहा, इसके साथ कोरिलेट करते हैं, इसका आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा अस्थि मज्जागत वात विकार, मांसगत और मेदगत वात विकार, इतने टॉपिक हम देखेंगे हमारे शास्त्र में से कि इनमें हम कहां कहां इसको कोरिलेट कर सकते हैं, कि हर बार पेशेंट में एक ही तरीका मिलेगा ऐसा नहीं होगा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मांस आवृत वात विकार, अस्थि आवृत और मज्जा आवृत, ये तीन में है, तो ये DMD में हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट, ये इसका जेनेटिक रिपोर्ट है कि जींस में खामी है उसकी वजह से ये हो रहा है, और करीबन 60-65% जो मसल टोन है वो चला जाता है, वो चल नहीं पाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हाँ सॉरी प्रीवियस, ये 12,000 है CPKMB, हमने जब कार्डियोलॉजी का सब पहले केस देखा था हार्ट का, तब मैंने इसका उल्लेख किया था कि CPKMB है, तो CPKMB ऐसा है कि जो मस्क्यूलोस्केलेटल मसल्स जो है वहां से जो निकलता हुआ प्रोटीन है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन है, और पूरे वर्ल्ड में इसका दिव्यांगता जो होती है बच्चों की, तो उसके हिसाब से उसका ग्रेडेशन होता है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ना, अगर उनके बच्चे को है तो इतना इतना ऋण भी वो सरकार देती है कि इसकी इतनी दिव्यांगता है तो इसमें इतना आपको पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा, तो ये 12,000 है, तो ग्रेड 4 से आगे 5 तक बोल सकते हैं इसी गंभीरता की। नेक्स्ट हाँ देखिए, ये आसन पश्चात उत्थान समय कष्टता एवं विलंब 21 सेकंड का था, बहुत सारे प्रोटीन ये स्टीरोइड और सब लेने के बाद भी वो 21 सेकंड तक आया था, पहले नहीं था, तो करीबन 30
35-40 ऐसे कर रहा था, लेकिन ज्यादा स्टीरॉइड देने की वजह से शुगर की डेवलपमेंट हो रही थी, तो बीच बीच में वो छोड़ रहे थे। कभी वो 21 के आसपास रहता था, उससे कभी भी कम नहीं हुआ था। और करीबन एक दिन में 10 से 15 बार चलते चलते वो बच्चा गिर जाएगा, चलते चलते गिर जाएगा, मसल टोन नहीं है उसकी वजह से। नेक्स्ट, ये उसका हमारा रिपोर्ट है। नेक्स्ट, ये वीडियो है, लेकिन आज वीडियो नहीं चल रहा है। और जो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो हम दिखाना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें दिखा रहे हैं कि हमने उसको 21 सेकंड का है ये। नेक्स्ट देखिए, ये पादागुरी टो वॉकिंग जिसको बोलते हैं, टो वॉकिंग ऐसे ही चलेगा, वो पूरा फ्लैट फुट करके नहीं चलेगा, वो तो पाद तल जो चलन होता है वो नहीं होगा। तो वो हमने करके दिखाया है, वो एविडेंस है कि जो पैसे ऐसे चल रहा है और 21 सेकंड लगता है नीचे बैठा है और खड़े होने में, ऐसा ऐसा करके वो अपने आप को सेट करेगा और फिर खड़ा होगा ऐसे करके, तो हमने वो 11 सेकंड तक करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, ये उसका वीडियो है, देखिए 11.81 सेकंड का है। नेक्स्ट, एक सौ था, चलेगा चलेगा। नेक्स्ट, आयुर्वेद की छत्रछाया में रुग्ण की व्याधि लक्षण में लाभ, एक महीने में जो 15 बार गिर रहा था, एक या दो बार। नेक्स्ट, ये उसी का है, वो पूरे पैर पूरा फ्लैट करके वो चल रहा है, तो पहले है टो वॉकिंग था, अभी ये है। नेक्स्ट, वही है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या है, स्नायु मज्जा बल्यकर वात हर स्नेह। यहां मैं आपको एक बोलना चाहता हूं, हमारे पास सतपाकी तेल है, सतपाकी खीर वाला तेल है, जो वैद्यगण है उनको पता होगा कि हमारे पास सतपाकी तेल का उपयोग किया जाता है। सतपाकी तेल की फलश्रुति जो है, उसमें ऐसा कहा गया है कि कोई भी रीजनरेशन करना है तो ये जो स्नेह है वो कार्य कर सकता है। तो एक स्नेह पाक करने के लिए इलोक्सिर वाला तेल 1 लीटर बनाना है तो 4 से 6 दिन लग जाएंगे, 100 बार करना है तो 600-700 दिन लग जाएंगे, कंटिन्यूअस काम करेंगे तो भी। तो ये 100 बार सतपाकी, उसके आगे सिर्फ एक सुश्रुत संहिता में मुझे रेफरेंस मिला, सहस्त्रपाकी तेल। ने आगे क्या लिखते हैं श्लोक में, ऐसा लिखते हैं कि जिस वैद्य ने सहस्त्रपाकी तेल बना लिया वो राजा को, उस वैद्य को सम्मान करना चाहिए, ऐसे सम्मान करना चाहिए कि हाथी के अंबाड़ी के ऊपर बिठा के, वैद्यराज को बिठा के वो राजा गिराज हो गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। ये सुश्रुत जी ने लिखा है, पूरे गांव का खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, भंडारा होना चाहिए, ऐसा लिखा है सुश्रुत जी ने। क्योंकि 1000 पाक करना कोई छोटी बात नहीं है, कितने रुपयों की लागत लगती है। और फिर फलश्रुति में ऐसा कोई अंगुली नहीं, जैसे अंगुली कट गई, जैसे कुछ भी गादी का किसारा हो गया, जैसे कुछ नसें कट गई, कुछ मांस क्षय हो गया, किसी को लगा था एक्सीडेंट ट्रॉमा हुआ और वहां से मांस का लोचा निकल गया है, सब एवरीथिंग कैन बी रीजनरेटेड। किसके पास है आलिया को बजाओ कट्टर से, ये इस आयुर्वेद शास्त्र के पास है, ऐसा कोई बोल भी सकता, कोई सपना भी नहीं दे सकता, आने वाले 100 साल तक कोई मेडिकल साइंस दुनिया का कोई ये सपना भी नहीं देख सकता, ऐसा हो सकता है। वहां पे लिखा है जैसे चिपकली आती है उसकी पूंछ कट जाती है, अकेला ऐसा प्राणी है जिसकी पूंछ फिर से बनती है, तो बोला है कि जैसे उसकी पूंछ बनती है इस तेल का पान करने से, ऐसा है कि पूरी कटी हुई उंगलियां हैं वहां से सब डेवलपमेंट कैसे बनती होगी, हड्डी कैसे, स्नायु बनता होगा कैसे, चेता बनती होगी, सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन, ये हमारे शास्त्रकार बोल रहे हैं। तो ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती है और वो हमारे पास है, उपलब्ध है, हमारे शास्त्रों के पास है, या आयुर्वेद के पास है। योग मनुष्य तो मनुष्य,
प्राणियां भी लग चुके हैं। नेक्स्ट एपिलेप्सी पैरालिसिस, नेक्स्ट ये भी है, बहुत सारा सीजर का डिटेलिंग है। नेक्स्ट एपिलेप्सी, उसका भी डिटेलिंग है, क्योंकि समय के बहुत अभाव है इसलिए। स्ट्रोक क्या है, एक ऐसा रुग्ण है 8 व्याधि संकरे जोधपुर की एम्स में, जो करीबन 70 के आसपास महिला की उम्र थी, उनका रिपोर्ट है। नेक्स्ट, स्ट्रोक के कितने प्रकार हैं, PIA क्या बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक क्या क्या होता है, वो सब डिटेल। नेक्स्ट, ये उसका डिटेल है। नेक्स्ट पैरालिसिस, उसका भी डिटेल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, ये देखिए इसको हम करते हैं, क्योंकि मुझे आयुर्वेद में जो रेफरेंस मिला ये मोनोप्लेजिया है, पहले वाला सिर्फ एक ऑर्गन, दूसरा हेमिप्लेजिया, तीसरा पैराप्लेजिया और पूरा क्वाड्रिप्लेजिया। अभी नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आयुर्वेद के, हमारे शास्त्रकारों ने जो लिखा है पूरा का पूरा वही क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पक्षाघात, ये सब आप देख सकते हैं पक्षाघात तर्क चिकित्सा सामने। नेक्स्ट देखिए, ये एकांघात, सर्वांघात, अधरांघात और अर्धांघात, पूरा का पूरा वही, पूरा का पूरा हमारे शास्त्र में रेफरेंस मिल रहा है, तो क्लासिफिकेशन हमारे यहां से उठांतरित हुई। नेक्स्ट सिटी ब्रेन, नेक्स्ट बहुत सारा डिटेलिंग है, इसमें भी वीडियो है। नेक्स्ट ये उनका है जग जो आ रहे हैं एपिलेप्सी के, पैरालिसिस है, कुछ भी ऐसे करके ऐसे ही पड़े हैं, करीबन 18 लाख रुपए और 36 दिन तक जोधपुर एम्स में दाखिल थे, एक आर्मी मैन की मदर थी, और उनका जो वीडियो देखने से ही पता चलेगा, पक्षाघात में तो हम इमेजिनेशन तो नहीं कर सकते, तो वीडियो में है कि वो कैसे हाथ ऊपर कर रही है, इतना हास्य उनके मुंह के ऊपर है, ऐसी पीड़ा भोग रही एक महिला है कि जो दिनों तक महीनों तक ऐसे पड़ी है निश्चेतन जैसी, और इतने जर्क आ रहा है, लाखों रुपयों की हर रोज की मेडिसिन जा रही है, कोई उनकी पीड़ा को देखने वाला नहीं है। मैं एक बार भी मेरे पेशेंट को नहीं देखा, हर बार वीडियो कॉलिंग, और फिर वहां से परमिशन लिया, ICU में दाखिल है, और मैंने बोला कि उनके कंसर्न फिजिशियन को बोलो, न्यूरोलॉजिस्ट को, कि नहीं वो करना ही पड़ेगा, और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा तो हमने भी नहीं देखा। यह आयुर्वेद एक वैद्य की एक क्षमता होनी चाहिए, ये मैं नहीं कर सकता। इतने सारे व्याधियों का बड़ा लिस्ट था, कैंसर था, सीए ओरी है, ऑपरेट हो चुका है, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेरिकोज है, लेफ्ट LCA है, एन्यूरिज्म हो चुका है, टोटल हिस्टेरेक्टोमी करवा चुके हैं, सल्पिंजो ओपेरेक्टोमी हो चुका है, ओमेंटम है वो निकाल चुके हैं, वहां कैंसर था इसलिए, और ऐसी परिस्थिति में हमने ठीक किया। नेक्स्ट संपूर्ण सैया सर, पूरा कंप्लीट बेड मेडी बेड रिडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए प्रीवियस करो, ये पूरा हम कितना लिखते हैं, देखिए पूरा टीम, हम भी 28 साल के बाद थोड़े सा भी समाधान हम नहीं करते हैं, और पूरा डिटेल हम लिखते हैं, और इतने सारे डिटेल सब लिखा हुआ है, कौन सा रिपोर्ट कहीं है वो तुरंत हैंडी है। नेक्स्ट ये इनका हाथ ऊपर हो रहा है, और पक्षाघात में हम रिजल्ट दे रहे हैं, मैं इतना आनंदित है, ये वीडियो जबरदस्त है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें पंचामृत लोभ गुकुल, ये रजत भस्म वाली औषधि है। एक डायबिटिक पेशेंट है, उनको पूरा पैर का अंगूठा कटा हुआ था, आधा कटा था, और उसका जो हमने है एविडेंस दिखाया है। नेक्स्ट वो PVD क्या है, वो कि सर्कुलेशन बंद होने की वजह से वहां खून नहीं पहुंचता है, और उसकी वजह से वहां गैंग्रीन हो जाता है, उसी का डिटेलिंग है। हमारे यहाँ गंभीर वात रक्त में जो सिम्टम्स लिखे गए हैं वो उसका कोरिलेशन उनके साथ हमें मिलता है। मैं ऐसा बोलता हूँ, वात रक्त जो है ना वो इतनी चरक जी की बड़ी भेंट है हमारे ऊपर, कि वात रक्त को आप ऐसे समझिए कि कोई एक छोटा सा गांव या छोटा कंपेरिजन मत करिए, एक बड़ा रूप है, एक बड़ा रूप। उसके अंदर एलोपैथी के करीबन 50 से 80 प्रकार के
नाना प्रकार के जो व्याधियां हैं वो ऐसी गाड़ियां हैं तो डायग्नोसिस की, वो यही वात रक्त रूप के नीचे वो पार्क हो सकती है। तो बड़ी बड़ी व्याधियां हैं उसमें वात रक्त की चिकित्सा करते हैं उसको समझ के तो सिद्धियां प्राप्त जबरदस्त होगी। वात रक्त बहुत हमारे ऊपर पेट है, ऐसा मेरा गुरुजन का था, वैद्य यूडी रावल संहिता डिपार्टमेंट खंडानंद आयुर्वेद कॉलेज, वो मेरे गुरु हैं, उनको चरण स्पर्श करके मैं बोलता हूँ मुझे ये जो दृष्टि दी है वो गुरु की कृपा है। उठा लो नेक्स्ट। वात रक्त के उपद्रव वो सब ये लिखे हैं नेक्स्ट, उसमें वही है कि व्रण ऐसा होता है, ये होता है, घिंगरी कट जाता है, ये सब। इसमें देखिए हाई यूरिन पीसीआर, प्रोटीन यूरिन में से इतना ज्यादा लीक हो रहा है उसका ये एविडेंस है, 14,000 है। नेक्स्ट HbA1c देखिए कितना है, 14 है। इंसुलिन लेने के बाद, चार प्रकार की औषधियां लेने के बाद इंसुलिन, ये HbA1c 14 है। नेक्स्ट पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इसका जो रिपेयरिंग है डॉक्टर ने लिखा है, चाइनीज हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद की वहां का है। नेक्स्ट अनहील, 2 साल से हम जो आधा अंगूठा काटा था हम 2 साल से उसको हील नहीं कर पाए, वो उन्होंने लिखा है, मेंशन किया है अंदर कि 2 साल से हम काटा हुआ आधा अंगूठा है उसको, जो व्रण हुआ है उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे, ऐसा लिखा हुआ है। अनहील वुंड नेक्स्ट, ऐसा आधा काटा हुआ था वो ड्रेसिंग किया था, रोज 3 से 4 बार ड्रेसिंग करना पड़ता था। लक्षण समुच्चय था, इतनी वेदना भी होती थी और ये सब दिक्कत थी, प्रमेह के सब सिम्टम ज्यादा थे। नेक्स्ट वाम अंगूठे के उच्छेदन पश्चात 2 वर्ष तक रोपण नाश थे ये। नेक्स्ट निसर्ग का भूत है ये। नेक्स्ट ये HbA1c थोड़ा कम होना शुरू हुआ, 14 के ऊपर था, 11 के आसपास आया। नेक्स्ट निसर्ग भूत है, रोपण प्रारंभ। नेक्स्ट ये देखिए थोड़ा सा शुरू हुआ। नेक्स्ट रिड्यूस द डोज ऑफ इंसुलिन, 36 में से 32 और 30 हो गया। नेक्स्ट आयुर्वेद नाम की काम देनु गाय की सरल छोड़ के विषय लिए एलोपैथी से भरोसे गए तो लेने के देने हो गए, इतना ठीक था फिर भी लोग पूछ रहे हैं अरे क्या हो जाएगा, पता नहीं है, इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये कलयुग का कालखंड है, यही चलता है, इस बीच में हमें रहकर काम करना है। नेक्स्ट देखिए पूरा बोल दिया, अभी तो आधा काटा था, अब पूरा काटना पड़ेगा, ये हो गया। जैसे आयुर्वेद को छोड़ दिया तो बड़ा होने लगा, और हुआ कि अगर वो उससे भी हील नहीं हुआ तो पूरा फूट है वो काटना पड़ेगा, पूरा एम्पुटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये एक्सरे, और हमारे पास जब आए प्री एक्सरे वो प्री ऑपरेटिव के स्वरूप में सब डिटेलिंग करके आए थे। नेक्स्ट फिर से आए तब देखिए मेजर प्री ऑपरेटिव मेजर डन है उसमें लिखा है। नेक्स्ट देखिए सर्जरी बट पेशेंट वांट टू रीथिंक, हमने बोला है कि रोक दो, अभी हमारे पास क्षमता है हम रोक सकते हैं, छोड़ दो इसको, या फिर लेना है इंसुलिन लेते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद को छोड़ो मत। नेक्स्ट देखिए रिस्टार्टेड आयुर्वेद मेडिसिन। नेक्स्ट ये ऐसी कंडीशन लेके आए थे जब हमने थोड़ा सा ठीक करके दिया था, तो फिर से वो जब आयुर्वेद छोड़ दिया था तो ऐसी कंडीशन पूरा पुई से भरा हुआ ये अंगूठा। नेक्स्ट फिर 2 महीने लिया और छोड़ दिया, ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट देखिए ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए पूरा सिर्फ 2 महीने की दवाई, सिर्फ 2 महीने की पूरा देखिए अंगूठ कंप्लीट। फिर मैंने लता लगाया कि अब अगर आयुर्वेद दवाई छोड़ी है तो इस वर्ग का दरवाजा बंद होने वाला, कभी नहीं एंट्री मिलेगी आपको, ये अभी जो मैं बोलता हूं तो डॉक्टर को छोड़ दो, ये मेरा स्वभाव है, पित्त है बहुत उलबण करता है तो बोल देता है। मेरे पास करीबन जो गर्भ संस्कार का है उसमें 5,000 दंपतियों का जन्म हो चुका है, उसमें जब अंतिम महीना होता है 8वां 9वां महीना तो कोई गायनिक को नहीं बदलेगा कोई भी रुग्ण, लेकिन मैंने करीबन 750 रुग्णों को ये गायनिक बदलने के लिए मजबूर किया है।
मैंने बोला कि नहीं, हमारा सुगुणोपरासन करना है, मैं 97 से कर रहा हूं। और बच्चा जब जन्म लेगा और नाभिनाल कर्तन होगा, नर्स उसे वॉश करके आपको देगी कि हाँ ये आपका बच्चा है, तब ये तीन प्रकार के ये क्रम के अनुसार जो 500 सालों से नहीं हो रहा है वो पूरा जात कर्म हम पूर्ण शास्त्रोक्त तरीके से करवाते थे कि ये अनामिका और अंगुष्ठ इससे सुवर्ण शलाका या रजत शलाका से लेके वो पुष्य नक्षत्र में बना हुआ जो है उसको चटाना है, अभिमंत्रित करके फिर चटाना है, फिर 8 श्लोक है जो अथर्ववेद में लिखे हैं वो कान में सुनाना है, और उसके बाद में तीसरे में जो जिन ऋषियों ने ये गर्भ संस्कार की रचना की है तो पिता है वो आशीर्वाद मुद्रा में अपने बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखेगा, हे ऋषि मुनिगण, 14 लोक है, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, पाताल है, तलातल है, रसातल है, तो ऐसे जो ऋषि लोक है वहां अभी आज विद्यमान है, तो आकाश की तरफ ऐसे दृष्टि करके वो हम कागज देते हैं कि वो बोलना है आपको, और ऐसे करके पूरी विधि जात कर्म की करनी है। अगर आपका गायनेक मना करेगा तो फिर मेरे यहां रास्ता नहीं होगा। तो बोले कि सर हमने, मैंने बोला आप पूछ लो, तो बोले कि गायनेक मना कर रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, मेरा जवाब ये रहता है, या विष को पसंद करो या अमृत को पसंद करो, आपको क्या करना है, या गायनेक छोड़ो या वैद्य को छोड़ो, मैं चिकित्सा नहीं करूंगा, आपको करना ही करना है, जात कर्म करना है। तो 760 लोगों को, 760 दंपतियों को 9वें महीने में हमने गायनेक को बदलवा दिया कि आपके अनुकूल हो ऐसे दूसरा गायनेक को ढूंढो, ये पावर से हमें काम करना होगा। देखिए पूरा अंगूठा वरण हो गया। गंभीर वात्र की चिकित्सा, सभी व्रण शोथ की चिकित्सा और प्रमेह था, और उसमें भी रसायन औषधियां भी है क्योंकि हमें रीजनरेशन करना है, तो इतनी सोच रख के इसमें मंजिष्ठादि ताल सिंदूर है, प्रमेह गज केसरी है, यशद भस्म है, यशद बहुत अच्छा पूरी प्रतिरोध है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक के स्वरूप में काम कर सकता है, ये सब औषधियां उसमें हमने डाली। नेक्स्ट, अंतिम 5 मिनट है। देखिए 11 साल की एक बच्ची का ब्लड कैंसर का, नेक्स्ट, ब्लड कैंसर का डिटेल है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, उसका डिटेल, नेक्स्ट, ये सब उसी का है, नेक्स्ट करते जाना है। हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस में क्या है, वो पूरे लिम्फेटिक सिस्टम नहीं, सब पूरे ऑर्गन में सब जगह पे जा सकता है, और हॉजकिंस है वो सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम में ही रहेगा, तो नॉन हॉजकिंस है वो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, वेरी डिफिकल्ट वो। नेक्स्ट, ये ब्लड कैंसर कुछ विद्वान रफ्तार बुद के साथ कंपेरिजन करते हैं आयुर्वेद में, लेकिन मेरी मनाही है, मेरी मति ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि ये रफ्तार बुद नहीं, क्योंकि रफ्तार बुद में ग्रंथि होना जरूरी है और ब्लड कैंसर में कहीं ग्रंथि नहीं होती है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रफ्तार बुद नहीं हो सकता, तो कुछ शब्द ढूंढे हैं, परफेक्टली शास्त्र का रेफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, दोष प्रदुष्टो रुधिर शिरश्च, ऐसे करके वो रक्तार बुद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट, मेरा आयुर्वेद दृष्टिकोण क्या है। नेक्स्ट, पित्त धरा कला स्वयं मज्जा धरा कला, ये आयुर्वेद के सिद्धांत जो है, तो वो पित्त धरा कला है वो वही मज्जा धरा कला की है, वो चिकित्सा भी करनी है तो उसी के समान। नेक्स्ट, इसमें रक्त धातुगत कर्क रोग की चिकित्सा, ये नाम मैंने दिया रक्त धातुगत कर्क रोग, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन कोई फिक्स पैथोलॉजी वो उसके साथ कोरिलेट करके कोई डिजीज की अवस्था वो हम मेजर नहीं कर सकते। यकृतोदर प्लीहोदर की चिकित्सा करनी पड़ेगी, पित्त शामक रक्त शोधक, दूषित रक्त धातु और दूषित लसिका, उसकी चिकित्सा है। नेक्स्ट, उसमें भी बच्चा पोषक भी रहेगा, रक्त प्रसादन भी रहेगा, ये सब चिकित्सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यवस्थापन करते समय इतना करेंगे तो ब्लड कैंसर को हम जीत सकते हैं, बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास कि ये सिद्धियां हमने प्राप्त की है। नेक्स्ट, ये जब बच्ची आई थी तो 52 कीमोथेरेपी के साइकिल करने थे और
इसमें यहाँ जो सर्वाइकल लिम्फ नोड थी उसको पिघलाने के लिए वो करने थे, लेकिन 47 हुआ तब पूरा यूरेटर पूरा कंप्लीट फाइब्रोसिस हो चुका था पूरा, और यूरिन रिटेंशन हुआ और बीच में से 47 में रुकना पड़ा और इतनी गंभीर परिस्थिति हो गई। स्टेंट डाला और 2 महीने स्टेंट रख सकते हैं और उसके बाद यूरेटर नहीं है तो फिर ये रास्ता रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम रहता था तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, नेफ्रेक्टोमी नहीं हो सकती थी, किडनी निकाल नहीं सकते थे और उसी कंडीशन में ऐसा था कि आयुष्य का फल हो चुका था और बोल दिया था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। तब जाके हमने चिकित्सा शुरू की और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में ये करना बहुत साहस की बात होती है और ईश्वर कृपा चाहिए कि ये ज्ञान की भी उपासना चाहिए कि ऐसी गंभीर परिस्थिति में ये निर्णय लेना होता है कि कहीं से भी थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कुछ है तुरंत वो जीव है वो मुश्किल में आ सकता है। तो इतनी कंडीशन इतने सारे रिपोर्टिंग थे कि कहां पे है तो किडनी में फिर जाके वो रिजेक्ट किया, नीचे से सिस्टोस्कोपी करके भी वो दिया, तब जाके पता चला कि ये सिर्फ यूरेटर में दिक्कत आई है, तब जाके इतनी सारी जांच करवाई और ये था ऐसी कंडीशन थी। नेक्स्ट ये हिस्टोपैथोलॉजी है। नेक्स्ट ये नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा डायग्नोसिस हुआ। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट निसर्ग वृत्त है ये। नेक्स्ट ऊपर है लक्षण थे ये सब मैंने बताया, उसी की वजह से हर रोज की उल्टियां हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था ये। नेक्स्ट कभी नहीं विस्फारण स्थाने वेदना नाश्ते सिर्फ 15 दिनों में वो हमने चिकित्सा शुरू की और वेदना शांति हो गई, लेकिन अभी छर्दी तो थी तो इसी कंडीशन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मूत्र प्रवृत्ति जो हर 20 से 30 मिनट में हो रही थी वो 1.5 घंटे में होना शुरू हुई, तो जो अर्जेंसी आती थी वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि अभी इसको धारण कर सकते हैं, वेग विधारण क्षमता जो थी वो वापिस आने लगी। नेक्स्ट ये किडनी थी, देखिए 116x64 राइट किडनी तो 104x45 ये क्रॉस हाइड्रोन ये एनलार्जमेंट ऑफ बल्की किडनी हो गई थी वो नॉर्मल होने लगी थी, तो उसका मतलब ये हुआ कि अंदर कहीं ना कहीं वो जो यूरेटर है उसमें परिवर्तन आ रहा था और यूरिन उसमें से निकलना शुरू हुआ था, तभी वो पैक होके जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से किडनी खराब हो रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। नेक्स्ट ये फिफ्थ फॉलोअप में पूरा वेदना नहीं है, 2.5 महीने से उल्टी भी नहीं है और मूत्र वेग संवेदना जो पता भी नहीं चलता था कि मुझे पेशाब भरा हुआ है और पेशाब करना है तो सेंसेशन 50% डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट और डीजे स्टेंट जो था कि वो निकालेंगे तो बाद में क्या होगा, तो वो जनवरी का महीना था और फिर हम उस जो अवरोध था एक पर्वत का अवरोध वो हम पार कर चुके थे और नेचुरली यूरिन पास होने लगा था, तो बहुत बड़ी सिद्धि हमने प्राप्त कर ली थी आयुर्वेद के औषधों से। नेक्स्ट देखिए जो सिस्ट थी सर्वाइकल रीजन में वो भी धीरे धीरे करके हो रही है, अभी कुछ भी नहीं, अकेले आयुर्वेद की दवाई चल रही है। अभी वो 4-5 दिन पहले बच्ची आई थी 13 साल की, अभी हो चुकी है और एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। करीबन ऐसे 1500 कैंसर के पेशेंट है मेरे पास, किडनी फेल के करीबन 700-800, लीवर फेलियर के 500 से ज्यादा और 1500 में 47 बॉडी ऑर्गन के कैंसर हम ट्रीट कर चुके हैं। एक वैद्य अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, सब सिद्धियां प्राप्त कर सकता है अपने आप में, ये जो जज्बा है वो बनाए रखना है, ऐसी कंडीशन है वो। नेक्स्ट ये सर्वाइकल रीजन मल्टीपल लिम्फ नोड फिर से फ्यू एंड लार्जेस्ट वाज दिस, मल्टीपल थी वो फ्यू हो चुकी है, बड़ी वाली थी वो छोटी हो चुकी है, ये कंटिन्यूअस चालू है इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट कैसा दिव्य आशीर्वाद दिया, किडनी नॉर्मल, दोनों किडनी नॉर्मल, नो पेरिटोनियल लिम्फ नोड, पूरा पेट में जो लिम्फ नोड में जो कैंसर था, किडनी तो ठीक हो गई लेकिन पेरिटोनियम और फॉरेक्स की सभी लिम्फ नोड में जो कैंसर फैला था वो जा चुका है, सिर्फ सर्वाइकल लिम्फ नोड में बचा है,
ये सिद्धियां हम प्राप्त करने के कगार पे पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा सा बाकी है। नेक्स्ट, स्वनिदान न उत्पन्न कर्क रोग, कैंसर हेतु कृत्रिम गर्भ सेवन, अति वृद्ध औषध उपद्रव, दक्षिण गविनी संपूर्ण शोष, संपूर्ण शोष हो चुका था, जहां से यूरिन पास नहीं हो सकता था, मार्गावरोध जन्य संपूर्ण मूत्रारोध, कृत्रिम गविनी विस्फारण यंत्र स्थापन, ऐसी कंडीशन में वो हमारे पास आए थे। नेक्स्ट, ये औषधियां हैं, भूपत बंगेश्वर, राजाधिराज, ये ऐसी कंडीशन में आप दे सकते हैं। कैंसर वाली औषधियां तो हमारी है, हिरक सर्वेश्वर, बाकी सब औषधियां, स्वर्णराज बंगेश्वर, बृहत बंगेश्वर, ये ऐसी दिव्य औषधि है कि हम इसका उपयोग करके ऐसी अवस्था में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ रसौषधि के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि रसौषधि कुछ लोग बना करते हैं, हमारे ही लोग कुछ हाँ बोलते हैं, इसमें बहुत सारी आपको भी बच्चों को भी कंफ्यूजन होती है। तो आपके सामने जो वैद्य खड़ा है 25 साल से रसौषधि खा रहा है, बिना गैप रखे, बिना गैप रखे 25 साल से सुवर्णयुक्त औषधि खा रहा हूं। अभी मैं कल आया, रात को सिर्फ 2-2.5 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद हुई है, और अभी जाऊंगा अहमदाबाद, रात को 11 बजे पहुंचूंगा। फिर आप बोलोगे कि यहां से 3 घंटे का रास्ता करके बड़ौदा में जाना है, रात को 3 बजे पहुंचोगे, वहां जाके फिर रुग्ण देखने हैं, तो एट दी एज ऑफ 52 आई एम रेडी। ये हमारे पूर्ण बचपन की औषधियों की ताकत है। कभी भी कोई भी बोले, कोई भी, यहां तुम्हारे मस्तिष्क में रसौषधि के बारे में एक भी नेगेटिविटी नहीं आने देना, एक भी नेगेटिविटी नहीं। और मैं तो बोलना चाहता हूं व्यवस्थापन को कि जो सुप्रजा माला है उसको हम कैंसिल करते हैं, इसी को कंटिन्यू, क्योंकि वो उसका समय नहीं रहेगा, फिर 11:30 का समय होने को जब है तब तक इसको हम चला लेते हैं, अगर समय रहा तो फिर बोले, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा डिटेलिंग है। इसीलिए देखिए अनंत मूल पुनर्नवा रसायन, ये सब हमारी चूर्ण औषधि है कि जो इसमें कार्य कर सकती है। तृण पंचमूल किडनी के नेफ्रॉन्स को पुनः जीवित करने के लिए, ये तृण पंचमूल जो किडनी फेल बोलते हैं, चॉइस ऑफ ड्रग होना चाहिए आपका, बहुत बहुत उपयोगी है, इसलिए बहुत कम मिलता है, कोई बनाता भी नहीं है, बहुत कठिन है, तो द्रव्य को आपको संग्रह करने की खान लेनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं रसौषधि के बारे में बोल रहा था, साक्षात शिव और शक्ति है, पारद शिव, गंधक शक्ति स्वरूप, पारद गंधक से रूम टेम्परेचर के ऊपर कज्जली बनाई जाती है, और वही मात्रा में अगर उपिपक्व रसायन बनाया जाए 800 से 900 हजार बार डिग्री तक, तो अरुण वर्ण की रस सिंदूर की रचना होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर काले रंग, इतना बड़ा, इतनी बड़ी रस विद्या है। और लोग बोलते हैं कि आपने मेटल टॉक्सिसिटी है, ये है, मेरे पास, मैं दवा ठोक के बोलता हूं, अभी भी 40 लाख की आज इसी समय 40 लाख की सुवर्ण भस्म की औषधियां मेरे स्टॉक में रहती है, इतना जरूरत है। करीबन 80 लाख से 1 करोड़ तक का टोटल रसौषधियों का संग्रह है मेरे पास, हर समय 5-5 किलो पंचामृत परपटी, 1-1 किलो सुवर्ण परपटी, ये जरूरत है। तो ये रसौषधि अगर उपयोग नहीं करोगे तो ये सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। तो रसौषधि का उपयोग करना ही करना है, तो मैं बोलता हूं कि जो बोलते हैं लेना है तो जल ग्रहण कर सकते हैं, और कुछ नहीं कि बोलना है कि मेरा आज उपवास है ऐसा करके, या कोई बात करके टाल देना है, ये हमारे शास्त्रकार हमें गाइडलाइन देते हैं। और इसमें क्या लिखा है, बिना बुलाए न जाए, रोगी के मृत्यु के आसन्न, मृत्यु का आसन्न मृत्यु की तत्काल सूचना न दे, अगर लग रहा है कि मृत्यु के समीप है तो तुरंत न दे, उनके रिलेटिव को बोलो, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत परिस्थितियां आती है, हर रोज के 8 से 10 कठिन व्याधियां हर रोज का सामना करना होता है, ये परिस्थितियां आती है तब गाइडलाइन कौन बनेंगे। तो हमारे ऋषिगण है,
कि वो वहां से ये गाइडलाइन मिल जाती है। शिव पुराण के अनुसार शिव के प्रथम सात शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, शुक्र ग्रह जो है, शुक्रदेव है असुरों के जो गुरु कहे जाते हैं, वो विशालाक्ष, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु और भारद्वाज, ये शिव जी के सात शिष्य हैं। रावण ने माता पार्वती से सबसे पहले रस विद्या का ज्ञान वो किया और उसमें रावण ने किया था नाड़ी विज्ञान, रस शास्त्र और अर्थ कल्पना, ये रावण ने माता सीता से प्राप्त किया है। ये रेफरेंस हमें मिलता है शिव पुराण में से। तो ये रसौषधियों की प्राचीनता है। लोग बोलते हैं कि सातवीं महीने, सातवीं सदी में ही नागार्जुन के आने के बाद ये रस जो विद्या है वो प्रचलन में आई। तो चरक जी ने नवा स्तूर्ण का वर्णन किया है, पुनर्नवाधिमंडू चरक जी का है, चंद्र प्रभावती में शिलाजीत किसने डाला है, ताप्यादि लोह है चरक जी ने लिखा है। तो क्या उस समय रसौषधि नहीं थी? रसौषधि का पूरा लिस्ट में दिखा सकता हूं। तो ऐसा नहीं था, चरक जी हो गए 2800 साल पहले करीबन, तो उस समय भी था, अनादि और शाश्वत है। तो इसीलिए रस विद्या में कहीं पे भी अपने आप को सोच हल्की नहीं रखनी है। नेक्स्ट, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे विजय रूपाणी के द्वारा गुजरात का गौरव का अवार्ड से सम्मानित हुए थे हम। ये राज्यपाल है, आयुर्वेद सेवा चूड़ामणि अवार्ड से 2015 में हमें सम्मानित किया गया है। आज हमारे प्राचार्य जो है सुधांशु जी ने कल बोला था कि मैंने बोला कि बहुत सारी कुछ, तो फिर रात को 1:30 बजे तक कुछ विचार लाके बोला था कि बच्चों को उत्साहित करना है। तो मैं जो आज आपके लिए कुछ नया प्राणी बना के लेके आया हूं, दिल थाम के बैठ जाइए, जबरदस्त होने वाला है कुछ। देखिए ये है।